सो एनएफटी बिजनेस के सभी इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से एक जो सबसे मेजर और सबसे पहला स्टेप है वो एक ऐसी यूनिक एनएफटी या एनएफटी कलेक्शन क्रिएट करना है जिसे देखकर लोग बोले, यानी कि जो एनएफटी एंथुसियास्ट और कलेक्टर्स की अटेंशन को ग्रैब करे जिसकी वजह से लोग आपकी एनएफटीज को बाय करने में इंटरेस्ट शो करे। लेकिन अगर आपके पास कोडिंग की स्किल्स नहीं है या आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हो तो आपके लिए ऐसी डिजिटल आर्ट और एनएफटीज क्रिएट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज अगर आपकी क्रिएट की हुई एनएफटीज सबसे हटके और यूनिक नहीं होगी तो कोई उसे क्यों ही खरीदेगा। बट थैंक्स टू एनएफटी टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स जिन्होंने एनएफटीज और डिजिटल आर्ट क्रिएट करने की प्रोसेस को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बना दिया है जिससे अब कोई भी बहुत इजीली एनएफटीज क्रिएट कर सकता है। सो अगर आप एक बिगनर हो और आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है बट आप भी खुद की एनएफटीज या एनएफटी कलेक्शन क्रिएट करके सेल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर एनएफटी टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को जानेंगे जिनकी हेल्प से आप बहुत इजीली प्रोफेशनल लुकिंग एनएफटीज क्रिएट कर सकते हो। एंड इन टूल्स का यूज काफी सारे आर्टिस्ट और क्रिएटर्स अपनी डिजिटल आर्ट को क्रिएट करने के लिए करते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम एनएफटीज से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पर रेगुलरली लाते रहते हैं। सो विदाउट फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 7 निफ्टी। सो निफ्टी इंक प्लेटफॉर्म एनएफटीज के क्रिएशन का एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है जो बिगनर्स के लिए काफी इजी टू यूज है। एंड निफ्टी इंक एनएफटीज को क्रिएट करने से लेकर लॉन्च तक के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यहाँ पर हम बहुत इजीली ड्रॉइंग एनएफटीज और पेंटिंग एनएफटीज क्रिएट कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली लिस्ट करके सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काफी सारे अलग अलग टूल्स और फीचर्स मिलते हैं जिनका यूज करके हम एक सिंपल ड्रॉइंग को लिमिटेड एडिशन एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप एनएफटीज को क्रिएट करने का कोई एक्सट्रीमली सिंपल सॉल्यूशन चाहते हो तो निफ्टी इंक को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। निफ्टी इंक काफी बिगनर्स फ्रेंडली है सो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। नंबर 6 पिक्सल चेन। सो पिक्सल चेन एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है जहाँ पर हम पिक्सल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। पिक्सल चेन पहला ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जहाँ कलेक्टर्स, आर्टिस्ट और यूजर्स पिक्सल आर्टवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं और डायरेक्टली उसे ब्लॉकचेन पर स्टोर भी कर सकते हैं। इस टूल का यूआई काफी इजी टू यूज और अगर आपने पहले कभी पिक्सल आर्ट क्रिएट नहीं भी करी है तो भी आप बहुत सिंपली और इफेक्टिवली यहाँ पर एनएफटीज क्रिएट कर सकते हो। इस टूल को यूज करने के लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज की नीड नहीं है। एंड अगर आप एक बिगनर हो एनएफटीज और आर्ट में नए हो तो एनएफटीज क्रिएट करने के लिए ये काफी अच्छा स्टार्टिंग टूल है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। सो नंबर 5 पर है स्केच AR। सो स्केच AR को मैंने पहले वाली वीडियो में भी इंक्लूड किया था। सो स्केच AR मोबाइल यूजर्स के लिए एक ऑल इन वन सॉल्यूशन है जहां पर आप एनएफटीज को क्रिएट, सेल और एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहां पर आप अपनी डिजिटल आर्ट को क्रिएट करके डायरेक्टली उसे एनएफटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। स्केच AR एक पॉपुलर एनएफटी डिजाइन सॉफ्टवेयर है जो AI की हेल्प से एनएफटी क्रिएशन प्रोसेस को और भी इजी बनाता है। एंड मजे की बात यह है कि यहां पर हम AI के साथ साथ AR augmented reality की हेल्प से भी NFTs क्रिएट कर सकते हैं। So yes, NFTs क्रिएट करने के लिए Sketch AR भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। Sketch AR प्ले स्टोर और एप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। नंबर 4 इज नाइट कैफे। सो नाइट कैफे पर्सनली मुझे इसके सिंपल UI की वजह से काफी ज्यादा पसंद है। नाइट कैफे बेसिकली एक NFT जनरेटर टूल है जहाँ से आप एफर्टलेसली बहुत इजीली NFTs और NFT कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो। नाइट कैफे सबसे पॉपुलर NFT क्रिएटर टूल्स में से एक है जो पूरा AI सिस्टम पर बेस्ड है। इसे यूज करना भी काफी सिंपल है, आपको बस यहाँ कुछ कीवर्ड्स एंटर करने हैं जिस भी तरह के NFTs आपको चाहिए और नाइट कैफे अपने पावरफुल AI टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ही सेकंड्स में काफी सारी यूनिक आर्ट्स जनरेट कर देगा एंड आप उन्हें सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके उसे मार्केट प्लेस पर सेल कर सकते हो। सो ओवरऑल मैं कहूंगा कि नाइट कैफे बहुत ज्यादा हैंडी टूल है और बिगनर्स के लिए काफी फ्रेंडली है। सो नाइट कैफे को तो आपको एक बार जरूर ट्राई करना ही चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नंबर 3 इज क्रीटा। सो क्रीटा एक प्रोफेशनल फ्री और ओपन सोर्स डिजाइन सॉफ्टवेयर है जहां पर हम डिजिटल आर्ट, 2D एनिमेशंस, आर्टवर्क्स, इलस्ट्रेटर्स, एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्रीटा बिगनर्स के लिए एक ग्रेट टूल है। फोटोशॉप की तरह यहां पर भी हमें काफी सारे अलग अलग फीचर्स टूल्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से हम काफी यूनिक डिजिटल आर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूजर इंटरफेस काफी इजी टू यूज और सिंपल है। अगर आप फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर का कोई फ्री अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो तो क्रीटा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस हियर। आप क्रीटा को NFTs क्रिएट करने के लिए एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। नंबर 2 वॉक्स एडिट। सो वॉक्स एडिट एक क्लाउड बेस्ड NFT क्रिएशन सॉफ्टवेयर है जो यूजर्स को खुद की NFTs क्रिएट और एनिमेट करने की अलाउ करता है। एंड बिकॉज ये सैंडबॉक्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म का ही पार्ट है तो हम क्रिएट की हुई NFTs को सैंडबॉक्स मार्केट प्लेस पर डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं। वॉक्स एडिट पर्सनली मेरा फेवरेट टूल है। यहाँ पर हम बेसिकली वोक्सल बेस्ड इन गेम 3D मॉडल्स क्रिएट और एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें काफी सारे इनबिल्ट टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं जिन्हें हम कस्टमाइज कर सकते हैं एंड बहुत इजीली क्रिएट की हुई एसेट्स और NFTs एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये टूल कंप्लीटली फ्री है। सो वॉक्स एडिट को तो आपको जरूर ट्राई करना ही चाहिए।
सो द नंबर वन इज अडोबी फोटोशॉप। आई नो अब आप बोलोगे कि हमें ये यूज़ करना नहीं आता, हमारे पास स्किल्स नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, इसे सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत ईजिली इसे यूज़ करना सीख सकते हो। यूट्यूब पर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट और कुछ ही दिनों में सीख जाओगे। काफ़ी सारे आर्टिस्ट और क्रिएटर्स ने अपनी NFT कलेक्शंस फोटोशॉप की हेल्प से क्रिएट करके $100,000s में सेल किया है। अगर आप भी अपना थोड़ा टाइम और एफर्ट डालकर फोटोशॉप की स्किल डेवलप कर लेते हो तो आप भी बहुत इजीली यूनिक डिजिटल आर्ट्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अडोबी फोटोशॉप अपने इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाता है। NFTs क्रिएट करने के लिए एक बेस्ट और पॉपुलर चॉइस है। यहाँ पर हमें काफी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से हम हाई क्वालिटी और ओरिजिनल आर्टवर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक आर्टिस्ट अपने NFTs डिजाइन और क्रिएट करने के लिए इसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। एंड मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी NFTs क्रिएट करना चाहते हो, आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स के साथ ही जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप NFTs क्रिएट करने का कोई सिंपल वे चाहते हो तो हमने इस वीडियो में कुछ वन ऑफ द बेस्ट AI बेस्ड सॉफ्टवेयर्स को भी जाना है जहां से हम कुछ ही मिनट्स में एफर्टलेसली NFTs और NFT कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये थे वो कुछ बेस्ट टूल्स जिनकी मदद से आप अपनी NFTs की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे NFT टूल्स अवेलेबल है, बट उन सभी में से ये काफ़ी पॉपुलर और इजी टू यूज टूल्स हैं जो अपनी NFTs की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए मोर देन इनफ है। आप इन्हें ट्राई करके देखो, थोड़ा एक्सप्लोर करो, फिर जो आपके लिए हैंडी और इजी टू यूज हो उसके साथ स्टार्ट करो। एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टूल और सॉफ्टवेयर पर डिटेल वीडियो और ट्यूटोरियल चाहते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। सो आई होप कि गाइज आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। NFT से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।